सीरियल आपके आ जाने से मैं आज वेदिका है लाचार और यश के सामने गई है हार। तभी तो वो ना चाहते हुए भी यश से शादी करने के लिए हो गई है तैयार। दरअसल यश ने निकाल दिया है अग्रवाल फैमिली को घर से बाहर और साहिल को पहुंचा दिया है जेल उस पर झूठे इल्जाम लगाकर। वहीं दूसरी ओर वेदिका यश से लगा रही है गुहार कि वो छोड़ दे साहिल को और ना पहुंचाए उसके परिवार को कोई भी नुकसान। वेदिका ने शादी के लिए हाँ कह दिया है, बट उसके आगे और एक सर्कमस्टेंसेस है कि साहिल को जेल से छुड़ाना है। क्या हो रहा है जी? एक ये षड्यंत्र था जो यश ने रचा था कि साहिल को जेल में डाल के प्रेशराइज कर रहा था वेदिका को हाँ कहलवाने के लिए। तो जैसे ही वेदिका ने हाँ कहा तो यश फ़ोन करता है और इंस्पेक्टर जो है जेल का वो साहिल को छोड़ देता है। बट कहीं ना कहीं ये एक अनफेयर होता है वेदिका के साथ, क्योंकि वेदिका नहीं चाहती थी पर साहिल के वजह से आपने उसे ब्लैकमेल किया, ऐसे कह सकते हैं? जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर साहिल जैसे कि अभी बाहर आ चुके हैं आपके कहने पर, बट आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि वेदिका वापस साहिल के पास चले जाए? जी, कहानी में वेदिका का किरदार बहुत ही ताकतवर है, तो जो अगर उन्होंने कह दिया तो मोस्ट लाइकली वो हो जाएगा। तो इस आश्वासन के साथ यश को इतनी परवाह नहीं है कि तो लास्टली यश इस सिचुएशन को कैसे ये करेंगे, बरकरार रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था वेदिका का हाँ कहना, क्योंकि अब वो कह दिया है तो अब बेसिकली दो दिन में शादी है, तो अब देखते हैं।